हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो मेरा नाम है प्रियंका। आज से मैं जुड़ने वाली हूँ कोडिंग टाइगर के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और आज से मैं शुरू करने वाली हूँ डेटा स्ट्रक्चर। और मैं पहले ही बता दूँ आप लोग को, जहाँ भी समझ में ना आए प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूँगी आपके आंसर्स के साथ। सो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रैवल सेल ऑपरेशन। फर्स्ट टॉपिक है मेरा, आगे पूरा डेटा स्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो मेरे साथ जुड़े रहें, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रैवल सेल ऑपरेशन, ठीक है। हुआ, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हेडर फाइल को लेंगे। मुझे नहीं लगता इसको समझाने की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। ये दो हेडर फाइल ले लिए तो ये हो गया। इसको समझाने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना एक एरे का साइज़ लेंगे। आगे हम लोग को जान लेना पड़ेगा एरे का साइज़। हमेशा हम लोग एक्स्ट्रा लिख के रखते हैं, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा साइज़ हम लोग लेके रखते हैं, ठीक है। और एरे हमेशा स्टार्ट होता है ज़ीरो से, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, हम लोग 50 तक जगह लेके रख रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट एरे, एरे ये एक नाम है, एरे का नाम है एरे 50, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ एंटर साइज ऑफन एरे। तो अब लोग अभी ये हम लोग किस लिए ले रहे हैं, ये ले रहे हैं कि मानिए हम लोग तक एरे का साइज़ ले लिए 50 तक, लेकिन हम लोग को सिर्फ काम करना है 5 साइज़ तक हम लोग को काम करना है। तो ये तो टोटल एरे का साइज़ लिए ना, अभी हम लोग कितना में काम करेंगे इसके लिए हम लोग ये लाइन को लिखें, ये लाइन को डिक्लेयर करेंगे। तो आउटपुट में ऐसा आएगा कि एंटर द साइज़ ऑफ एन एरे, हम लोग लिखेंगे 5, ठीक है। तो हम लोग इसमें 5 नंबर को इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसको स्कैन एफ कर लेते, स्कैन एफ कर लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग इंसर्ट कर ले 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 5 नंबर है हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे। ये जो साइज लिए हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, इतना जगह में हम लोग इसको इतना जगह में बैठा देंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब ऐसा एक तो लाइन आएगा, प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट ऑफ एन एरे। तो हम लोग एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे में क्या क्या एंटर करेंगे, ऐसा ही कोई रैंडम सा जो आपको एंटर करना है, वो सब रैंडम सा 5 नंबर, क्योंकि 5 के ज़्यादा हो जाएगा तो एरे में नहीं ले पाएगा, क्योंकि हम लोग तो स्पेस ही लिए उसके लिए 5। तो हम लोग को कोई 5 नंबर, 5 नंबर हम लोग को इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इंसर्ट करने के लिए हम लोग को पता है कि एक लूप चलाना पड़ता है, तभी ना ये हम लोग इंसर्ट कर पाएंगे इसको। तो ये जो लूप लिखे है अभी, ये तो आई इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट होगा आई इक्वल्स टू ज़ीरो।
आई जो आई है वो लेस देन साइज रहेगा। देखो साइज़ हम लोग क्या लिए, 5 तक, लेकिन हम लोग जाएंगे कितना तक, 4 तक, क्योंकि एरे शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3 4। अब इसको काउंट करो तो 1 2 3 4 5, देखो 5 यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग लेस देन साइज़ मतलब जो साइज़ लेंगे उससे एक कम लेंगे, इसीलिए आई लेस देन साइज़ हुआ, ठीक है। और आई प्लस प्लस मतलब पहले ये आई रहेगा, फिर ये जाके ये आई हो जाएगा, फिर ये जाके ये आई हो जाएगा, ऐसे करके ये इंटरचेंज होने लगे, इसलिए आई प्लस प्लस। अब इसको भी स्कैन कर लेते हैं। अब एरे आई क्यों ले, क्योंकि देखो यहाँ पर एरे 50 लेते हैं, लेकिन आई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो नंबर है ये तो सब हम लोग आई में रख रहे हैं ना, ये जो नंबर है हम लोग सब आई में रख रहे हैं, इसीलिए एरे आई मतलब ये जो नंबर हम लोग डाले ये सब आई है, इसलिए हम लोग एरे आई को सब प्रिंट करेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग एरे आई को स्कैन कर लिया। अभी हम लोग को क्या करना, यहाँ तक हम लोग का क्या क्या जो हम लोग नंबर को इंसर्ट कर रहे ये सब का काम यहाँ तक। अब आउटपुट हमें कैसे मिलेगा वो हम लोग वो लाइन को लिखेंगे, प्रिंटफ एलिमेंट इन एरे आर अभी हम लोग जो जो नंबर को एंटर किए थे वो हम लोग को अभी क्या करेगा, ऐसे करके देगा कि एरे 0 में आपने 2 को डाला, ठीक है, एरे 0 में आपने 2 को डाला, एरे 1 में आपने 3 को डाला, एरे 2 में आपने 4 को डाला, ठीक है, एरे 3 में आपने 5 को डाला, ये सब नंबर ये सब प्रिंट देगा, एरे 4 में आपने 4 में आपने किसको डाला, 6 को डाला, ठीक है, ऐसे करके आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो ऐसे सीरियली निकालने की फिर हम लोग को लूप यूज़ करना पड़ेगा, तो फिर हम लोग लूप यूज़ कर रहे फॉर लूप, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन साइज़ क्योंकि एक साइज़ कम ही देगा हम लोग को, 5 लिए थे लेकिन हम लोग को 4 तक ही देगा साइज़, आई प्लस प्लस हुआ। आप प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट एफ, क्योंकि देखो यहाँ पे स्कैन एफ के देखिए स्कैन करने, लेकिन हम लोग को तो अभी प्रिंट करवाना है ना, इसलिए हम लोग प्रिंट एफ ले रहे, ठीक है, प्रिंट एफ, एरे आई को प्रिंट कर दो, इसीलिए एरे ये वाला यूज़ किया, ठीक। अभी हम लोग को क्या करना, बस हो गया, गेट, तो ये हो गया हम लोग का पूरा ट्रैवर्सल ऑपरेशन का मेथड, ठीक है। पहले हेडर फाइल लेंगे, ओह अच्छा इसको हम लोग पुट कर देते हैं, ये तो वेरिएबल है ना, तो इसके यहाँ पर तो फिर एरर खा जाएगा, और ये साइज़ को लिख देते हैं, ठीक। तो देख लो ये हम लोग का हो गया पूरा मेथड। फर्स्ट में हम लोग हेडर फाइल ले लेंगे, फिर एरे डिक्लेयर कर लेंगे, फिर क्या करना है, स्टेप टू स्टेप जाना है, ठीक है, स्टेप जंप नहीं करना, दिमाग में पहले इमेजिन कर लो कि क्या क्या स्टेप होना चाहिए, उसके बाद कोड लिखना स्टार्ट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद प्रिंट एंटर द साइज ऑफ एन, कितना साइज में हमें काम करना है, ठीक है, वो साइज़ हम लोग इंटर कर लिए, उसमें एलिमेंट ले लिए, एलिमेंट जब भी हम लोग इंसर्ट करते हैं उसके लिए हमेशा लूप चलाना पड़ता है, ठीक है। बिना लूप के आपको कुछ कैसे पता होगा कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ जाके ख़त्म करना है, नहीं पता होगा ना, तो इसलिए लूप चला लेंगे। उसके बाद स्कैन कर लेंगे उस नंबर को, मतलब जो नंबर दिए तो उसको स्कैन करना पड़ेगा ना, तो स्कैन कर लिए। अब यहाँ से यहाँ का काम क्या है, यहाँ से हम लोग आउटपुट निकाल रहे हैं, इसीलिए प्रिंट एफ जो नंबर हम लोग आगे ही पूछे जो नंबर ऐसे करके वो नंबर को प्रिंट करेगा, ठीक है।
और प्रिंट करने के लिए फिर से तो हम लोग को लूप चलाना पड़ेगा, नहीं तो वो कैसे जानेगा कि कहाँ से हम लोग को नंबर प्रिंट करना, कहाँ जाके ख़त्म करना। इसलिए फिर से यहाँ पे एक लूप चल रहा है। अब यहाँ पे प्रिंट एफ क्योंकि नंबर को प्रिंट एफ, ये नंबर लोग को प्रिंट करना है, अभी स्कैन नहीं करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ को यूज़ किए। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और मेरे साथ जुड़े रहे। इसके बाद मैं और भी डेटा स्ट्रक्चर के हर एक मेथड को सिखाऊंगी। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।